एक बड़ी खबर आ रही है। संविधान दिवस कार्यक्रम पर आम आदमी पार्टी की बेहद तल्ख टिप्पणी आई है। संजय सिंह ने कहा है कि आप इस नौटंकी का हिस्सा नहीं बनेगी। अच्छा, तो संविधान दिवस पर कार्यक्रम को आम आदमी पार्टी नौटंकी बता रही है। सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, ये कह रहे हैं संजय सिंह। किसानों और नौजवानों के अधिकारों को सरकार कुचल रही है। सरकार संविधान दिवस मनाने की नौटंकी कर रही है। अब बताइए, इससे तल्ख शब्द क्या हो सकते हैं किसी ऐसे कार्यक्रम के लिए जो संविधान से जुड़ा हो, जो हमारी लोकतंत्र में सबसे ऊपर जिसका स्थान है। अकू सर मेरे साथ है, मैं उनके पास आऊंगा, लेकिन प्रवक्ता कांग्रेस इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करता हूं। अमरनाथ अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। अमरनाथ जी, क्यों आप लोग इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं? आप किसी सरकारी कार्यक्रम को पार्टी का कार्यक्रम क्यों बना देते हैं? कल को कांग्रेस अगर आएगी सत्ता में और वो अगर कोई कार्यक्रम रखेगी तो वो कांग्रेस का कार्यक्रम हो जाएगा, वो क्या सरकार का कार्यक्रम नहीं होगा? नहीं, आपको सबसे पहले बता दूं, पार्टी और सरकार का कार्यक्रम, उसका अंतर कहां रह गया है? जिस तरीके से आपने देखा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में सरकारी खर्चे पर 2000 बसें लाकर भीड़ इकट्ठा की गई, जिस तरीके से कल जेवर में हुआ, वो राष्ट्रीय कार्यक्रम, वो सरकारी कार्यक्रम नहीं हो गया, वो भाजपा का कार्यक्रम था। संविधान में इनका विश्वास नहीं है, संविधान की प्रतिया जलाने वाले लोग हैं, इन्होंने हमेशा संविधान का विरोध किया था, आप उठा के इतिहास इनका देख लीजिए। तो आप तो सम्मान करिए, अगर आप तो सम्मान करिए, आप भी तो सम्मान नहीं कर रहे। आप अगर संविधान कार्यक्रम का, संविधान दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं तो आप कौन सा सम्मान कर रहे हैं? मेरी बात तो सुन लीजिए, आपने मुझको कहा तो मेरी तो सुन लीजिए। आपके कहने से संविधान का कोई अपमान नहीं हो जाएगा, और संविधान हम बचा रहे हैं, सही, हम इसको बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि संविधान बचे। आप बताइए, हाईकोर्ट ने कई बार टिप्पणी की है कि असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, जिस तरह से ईडी, आप संसद से लेकर सड़क तक विरोध करिए, ये संविधान आपको अधिकार देता है, इस लोकतंत्र में हर शख्स को अधिकार है। लेकिन आप जब संविधान दिवस विशेष पर आप संसद में, नहीं सर, देखिए ये थोड़ा सा अलग है। अकू सर, मैं आपके पास आता हूँ, देखिए मैं आता हूँ, अमरनाथ अग्रवाल जी आता हूँ। अकू सर, यही पर अंतर पता चल जाता है कि जहां आप देश को ऊपर ना रखकर, संविधान को ऊपर ना रखकर अपनी पॉलिटिक्स को ऊपर रख देते हैं। आप देख रहे हैं, चुनाव आने वाला है, अगर हम बीजेपी के साथ उस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो फिर कहीं हमें चुनाव में उसका नुकसान ना हो जाए। देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी स्थितियां हो रही है, और संविधान दिवस कोई पहली बार नहीं मन रहा है, ये भी राजनेताओं को समझना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि देश की जनता की याददाश्त बहुत धीमी होती है, कमजोर होती है, और उनको लगेगा कि हम साथ ये कर रहे हैं तो उससे बड़ा फायदा हो जाएगा। वो सब जानती है देश की जनता, लेकिन इसमें ये बात भी सही, जब तक पक्ष विपक्ष किसी का प्रवक्ता ने नहीं कहा, अभी हाल ही के दिनों में जब नेहरू जयंती का प्रोग्राम था, तो नेहरू जी की जो संसद में कार्यक्रम था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी का कोई भी मंत्री नहीं आया था, ये भी एक गलत है। तो मन में इनकी कसक ये है, लेकिन उससे ज्यादा कसक ये है कि संविधान दिवस को ना मनाने के पीछे पूरी राजनीति है, और ताकि कोई घोषणा हो, ताकि सर, लेकिन और एक सवाल और है सर, मैं अखिलेश यादव के बारे में थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले कि नौटंकी करार दे दिया जाए, ये शब्द क्या एक राज्यसभा सांसद के उसको शोभा देता है सर, जो उसी संसद से चुना हुआ हो जहां पर ये संविधान कार्यक्रम मनाया जा रहा हो, और उसी पे उसी को नौटंकी करार दे दे? अकू सर, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है, और ये नौटंकी नहीं है। ये जिस कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल हो रहे हो, मैं एक्सक्लूसिवली कह रहा हूँ, राष्ट्रपति शामिल हो रहे हो, वो नौटंकी नहीं हो सकती है। वो देश का प्रोग्राम है, देश का कार्यक्रम है, और देश के कार्यक्रम में ऐसा भी नहीं होने जा रहा है कि इसमें कोई राजनीतिक घोषणा होने जा रही है। लेकिन सर, राजनीति आज के दिन चुनाव नजदीक है, तो लोगों ने, पार्टियों ने, नेताओं ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम को ऊपर रखा है बजाय संविधान दिवस पर हो रहा है इस कार्यक्रम को।